अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका सितार रसूल। कामयाब बिजनेसमैन सीरीज का ये चौथा एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे दरवाजों के कारोबार के हवाले से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दरवाजों का कारोबार किस तरह से किया जा सकता है और कितनी तरह के दरवाजे होते हैं जो आप सेल कर सकते हैं और उससे कितनी अर्निंग आप कमा सकते हैं। मजीद मालूम फराम करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दरवाजों का सेटअप जो है बावलपुर के अंदर वो विजिट करवाना चाहता हूँ, जिसको थोरली हम और आप मिलकर देखते हैं। आइए देखते हैं अल करीम डिकोर भावलपुर के अंदर जो दरवाजों का और इंटीरियर का एक डिस्प्ले सेंटर बना हुआ है। ये फाइबर ग्लास के दरवाजे हैं, पूरा का पूरा डिस्प्ले बना हुआ है फाइबर ग्लास के दरवाजों का। ये दरवाजे किस तरह दूसरे दरवाजों से मुनफरिद है ये भी आपको बताता चलूँ कि ये दरवाजे कंपोजिशन मटीरियल के बने हुए हैं और लकड़ी से और दूसरी मटीरियल से कई गुना ज्यादा पायदार है। ये दीमक धूप पानी और नमी वगैरह से खराब नहीं होते और सबसे मजेदारी की बात यह है कि इनका जो रेट कंपैरिजन किया जाए तो वो भी लकड़ी के तकरीबन बराबर पड़ता है। दूसरी बात कि इसके ऊपर पॉलिश की कॉस्ट जो है वो कम आती है बनिस्बत लकड़ी के दरवाजों के। लकड़ी के दरवाजे अगर आप बनवाते हैं जिस तरह के कैल और दियार और पड़तल वगैरह के दरवाजे बनवाते हैं, उनके ऊपर जो इतनी लेबर पड़ती है पॉलिश की, जितने में ये दरवाजा पॉलिश करके दे देते हैं और इनकी पॉलिश क्वालिटी भी बड़ी बेहतरीन होती है। देखते जाएं ये इसी तरह से हैं, ये सारे के सारा पूरा का पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है, जितने भी दरवाजे लगे हुए फाइबर ग्लास के। फाइबर ग्लास के अलावा इनके पास यहाँ पर अल करीम डेकोर पर आपको पीवीसी के दरवाजे, पीवीसी का ये होलसेल का काम कर रहे हैं वो भी मिलते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इधर ही। जो दूसरे लकड़ी के दरवाजे हैं वो मिलते हैं, मलेशियन और मेलामाइन प्लाई के दरवाजे मिलते हैं। मोर देन 7 टाइप्स के दरवाजे जो है उनके पास हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी भी तरह के किसी भी रेंज के अगर दरवाजों की आपको जरूरत पड़ती है तो वो इसी एक सेटअप से आपको मिल जाते हैं। जैसा कि तकरीबन मुझे ये बता रहे थे 130 रुपए से लेकर 550 रुपए स्क्वेयर फुट तक दरवाजे इनके पास अवेलेबल है। दरवाजों के अलावा जो दूसरा काम है इनका वो है इंटीरियर का काम, जिस तरह के दीवारों के ऊपर पीवीसी पैनल लगते हैं और उसके अलावा वॉलपेपर लगते हैं उसका काम, ब्लाइंड्स का काम विंडो के ऊपर जो लगते हैं, फॉल सीलिंग का काम जो छतों के ऊपर लगती है जिस तरह बैंकों वगैरह में या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर लगी होती है उसका काम करते हैं। पीछे के उन्होंने अल्यूमिनियम की वर्कशॉप भी बनाई हुई, अल्यूमिनियम के विंडोज वगैरह भी बनाते हैं। अब वही बात मेरी पहले दूसरी वीडियो वाली कि जीरो इन्वेस्टमेंट से जो काम किए जा सकते हैं अल्यूमिनियम विंडोज और ग्लास वर्क, और ये जो जितने भी काम आपको बता रहा हूँ ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाले थे। अब एल्यूमिनियम का कोई स्टॉक इनके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कटर है जो वर्कशॉप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़े से औजार हैं जो कि बहुत महंगे नहीं है, उनको लेकर ये काम करते हैं। और ये काम इसी तरह से इनके पास यहाँ पर क्लाइंट्स आ जाते हैं या ये विजिट करते हैं लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जो घर बन रहे होते हैं वहाँ पर, और वहाँ से इनको काम मिल जाता है। इसी तरह से पीछे दरवाजों के लिए, लकड़ी के दरवाजों के लिए जो है वो इन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है, वहाँ पर भी एक कारीगर रखा हुआ है और वो भी ये जो रॉ मटेरियल है ऑर्डर बेस्ड होता है इनका, कि ये ऑर्डर मिलता है कुछ और पैसे एडवांस ले लेते हैं और पीछे से रॉ मटेरियल खरीद के फिर उन दरवाजों को तैयार करके आगे फ्राहम कर देते हैं। इसमें भी कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये सारा माशाल्लाह से एक बेहतरीन सेटअप बना हुआ है और इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है। ये अराउंड अबाउट 1 मिलियन के करीब करीब इसके ऊपर खर्च हुआ है, यानी कि 10 लाख रुपये, और उसके अंदर अंदर ही ये कारोबार जो है ये पूरा का पूरा रनिंग में है। बाकी आप इसके अंदर स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह पीवीसी दरवाजों का स्टॉक है या फाइबर के दरवाजों का स्टॉक रखना चाहते हैं, लकड़ी के दरवाजों का स्टॉक रखना चाहते हैं, डब्ल्यूपीसी का स्टॉक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो ना भी रखें आप तो आपका ये काम चल सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, इनको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इस फील्ड के अंदर और दरवाजों के काम में कितना है। दरवाजों के काम में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक मकूल प्रॉफिट मार्जिन है, जिस तरह से 10 से लेके 20% तक इसमें बचत है। फर्ज करें अगर आप डेली बेस पर एक दरवाजा सेल करते हैं और 5,000 का, तो उसमें से आपको 500 रुपए की बचत अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। और अगर काम आपका ऐसा ऐसा बाद में बेहतर हो जाता है तो वो बचत आपकी जो है वो 500 से लेकर अगर आप 10 दरवाजे डेली के सेल करते हैं तो 5,000 तक जा सकती है। इस बिजनेस को एक्सपेंड भी किया जा सकता है, जिस तरह से ये लकड़ी और पीवीसी के दरवाजे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये प्लाई वाले दरवाजे जो है वो प्रेस किए जा सकते हैं, डब्ल्यूपीसी के दरवाजे प्रेस हो सकते हैं, वो प्रेस भी लग सकते हैं, और जो बाकी इस तरह का मटेरियल है जिस तरह के ये फाइबर ग्लास वगैरह के दरवाजे हैं ये भी अगर फर्दर ये करना चाहें तो ये बड़े लेवल का थोड़ा सा काम है, ये भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं इंटीरियर के काम में मार्जिन कितना है और वो किस तरह से किया जाता है। इंटीरियर का काम जितना भी है जहाँ पर भी है पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर बेस्ड होता है, इसके ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास स्टॉक मौजूद होता है। इस तरह के वॉलपेपर, पीवीसी पैनल और ये वो, इनकी सिर्फ कैटलॉग्स मौजूद होती हैं
उन्हीं को कस्टमर देख कर, क्लाइंट देख के कैटलॉग से डिजाइन पसंद करता है और उस क्लाइंट डिजाइन को जो है ये ऑर्डर करवा देते हैं, वो 2-3 दिन में आ जाता है और फिर उसको ये फिट करवा देते हैं और अपना जो एक माकूल प्रॉफिट है इनको वो मिल जाता है। इंटीरियर के काम में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपको सैम्पलिंग की और एक अच्छे डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है, वो आप कर लें तो बड़ा बेहतरीन काम चल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या करते हैं डोर टू डोर जाते हैं, अपने जो है ब्रोशर वगैरह वो देते हैं, उनको कैटलॉग्स उन्होंने रखी होती हैं, अपने पास सैम्पलिंग होती है, मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में पिक्चर्स होती हैं वो दिखाकर उसमें से सिलेक्शन करवा के जो है ऑर्डर बेस्ड उनको स्टॉक मंगवा कर वो इंटीरियर उनका जो है वो करवा देते हैं। अब बात की जाए कि इसके ऊपर मार्जिन कितना है जो इंटीरियर का काम है, तो पीवीसी पैनल के ऊपर तो मार्जिन थोड़ा कम है लेकिन वो लगते बहुत ज्यादा है। फर्ज करें एक कमरा लग रहा है तो उसमें भी 50 से 60 पैनल लग जाते हैं, 30-32 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है, उसमें आपको 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक भी मार्जिन आ जाता है। और अगर आप खुद लगा सकते हैं तो पीवीसी पैनल लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है, मैं खुद लगाता रहा हूँ, ये इंतहाई आसान काम है और इसकी लगाने के लिए पर पैनल 50 रुपीज़ आजकल मार्केट में चल रही है, इससे ज्यादा भी मिल जाती है। और अगर आप खुद लगाएं, फर्ज करें आप डेली के 100 पैनल पे लगा देते हैं, तो 5 हज़ार रुपये तो सिर्फ इसकी लेबर है और इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट, किसी बड़े टूल और किसी चीज की जरूरत, स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ हो, मेजरमेंट का पता हो और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह से बाकी काम है, वॉलपेपर का हो गया, सीलिंग का काम हो गया, जो ब्लाइंड्स है वो भी ऑर्डर बेस्ड होते हैं, सैम्पलिंग होती है उनके बाद, और जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो भी इसी तरह से, ये सारे के सारे काम इसी तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट से किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एक शॉप लेके एक अच्छा डिस्प्ले जो है वो बना लेते हैं, तो ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट से नहीं किया जा सकता, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी किया जा सकता है अगर आप थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें, जिस तरह लोगों को या क्लाइंट्स को आप कन्वेंस कर सकते हैं, तो फिर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो के मतलब अगर आपको मजीद मालूमात दरकार हो तो आप वो हमसे हासिल कर सकते हैं, प्रॉफिट के हवाले से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या ये कारोबार कैसे किया जा सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कहाँ से कैसे सप्लाई की जा सकते हैं, उनके ऊपर कितनी रेशो होती है प्रॉफिट की, ये तमाम तर जो मालूम है अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज से और हमसे ये हासिल कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए इनबॉक्स कीजिए फेसबुक पेज पर, वहां पर हम आपको जरूर मालूम फ्राहम करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।